देखो मगीरा मूवी का टीजर रिलीज हुआ है, ओके। मगीरा मूवी को भी डायरेक्ट प्रशांत नील नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस में बन रही, सेम वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने केजीएफ को बनाया है, सलार को बनाया है, केजीएफ चैप्टर 2 और कांतारा को बनाया है, उसी प्रोडक्शन हाउस में सेम मेकर सेम डायरेक्टर के ही उसमें बन रही है ये मूवी। तो मूवी देखो सारी की सारी ब्लैक टोन में हो, आप वो चाहे केजीएफ ले लो, केजीएफ चैप्टर 2, सलार, कांतारा और वही बगीरा सेम होने वाली है, एक ही टोन में मूवी होने वाली है, क्योंकि डायरेक्टर और मेकर सारे होने वाले हैं। तो हमने जो केजीएफ में और कांतारा में जो काम देखा था वो बहुत नेक्स्ट लेवल था, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसा ही कुछ इसमें भी देखने को मिलेगा। और इसमें बात करें एक्टर की तो देखो वो बहुत, हमने तो कभी उनको नहीं देखा है, मैंने पर्सनल उनको उनकी मूवी कभी कोई नहीं देखी है, वो कनाडा फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, श्री मुरली दास, ओके उनका है, मैंने उनकी मूवी नहीं देखी है अभी तक कोई भी। वही बात कर लें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो देखो स्टोरी कहीं 10-12% देखी जाए तो किसी दूसरी मूवी से मैच करती है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन सी मूवी है जिस मूवी से इसकी स्टोरी मैच कर रही है। और देखो हमको ट्रेलर में ना कुछ ज्यादा दिखाया नहीं गया, लेकिन जो झलक दिखी है एकदम स्लो मोशन में करके जो मैंने देखा है वो ये दिखाता है कि इसकी कहानी जो है अपने बहुत पहले जो है एक अमिताभ सर की मूवी आई थी सहनशाह, उसकी कहानी से मैच होती है, मतलब बहुत ज्यादा अगर नहीं मैच होती है लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 15-20% इस मूवी की कहानी सहनशाह मूवी से मैच होती है। अब वो क्या मैच होती है मैं आपको बताता हूं। देखो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अमिताभ बच्चन सर की सहनशाह मूवी से मैच कर रही है स्टोरी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो सहनशाह मूवी अगर आपने देखी हुई, और सहनशाह मूवी तो हर कोई किसी ने देखा ही है, तो उसमें भी दिखाया है गया है कि अमिताभ बच्चन के भी दो रोल होते हैं, एक रोल वो होता है जो सबको दिखता है और एक रोल वो होता है जो रात में सिर्फ दिखता है, वो कानून से हटके होता है लेकिन सबका इंसाफ करता है। वही सेम इसमें भी होने वाला है कि एक पुलिस का रोल है, जब पुलिस के रोल से उनका नहीं होता है, जब इंसाफ नहीं कर पाते हैं तो वो फिर एक मास्क लगा के रात वाला रोल करते हैं जो कि सबका इंसाफ करता है, कानून की नजरों में जुर्म होता है लेकिन फिर भी वो गरीबों का मसीहा बनता है। वही कुछ इस मूवी में भी दिखने वाला है हमको, लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद यश का जो फेम बना और जो फैन फॉलोइंग बनी है केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से लेकर, हर कोई उनको हर बड़े पर्दे पे देखना चाहता है, तो वो क्रेज बन चुका है। तो एक्टर मायने नहीं रखता है, स्टोरी और स्क्रिप्ट और कहानी मायने रखती है, और मूवी कौन डायरेक्ट कर रहा है ये भी आप देख लो, प्रशांत नील, जो कि इससे पहले सलार और केजीएफ, केजीएफ चैप्टर 2 और जैसी। तो ये मूवी पूरी जो है कनाडा मूवी होने वाली है। देखो मूवी की कहानी टीजर में तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं रिवील हुई है, ट्रेलर दिखेगा या मूवी आएगी तो बराबर पता चलेगा कि कैसी होने वाली है कहानी। तो मूवी तो एक डार्क टोन में होने ही वाली है, और वहीं आपको बता दें कि मूवी की रिलीज डेट 24 जनवरी 2024 होने वाली है, और अभी मूवी का सिर्फ टीजर रिलीज हुआ है, मूवी का ट्रेलर आने में अभी कुछ टाइम होने वाला है, अभी डेट तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ट्रेलर आता है हम उसके बारे में भी बात करते हैं, उसमें थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ट्रेलर में ज्यादा कुछ रिवील उन्होंने किया नहीं है, और ज्यादा डार्क टोन में तो होने ही वाली है, लेकिन ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा कि क्लियर आखिर मूवी में होने वाला क्या है, स्टोरी क्या होने वाला है। ना तो इसमें कुछ विलन रिवील किया गया है और ना ही कुछ खास कहानी अभी रिवील की गई है, तो हम देखते हैं, ट्रेलर का वेट करते हैं और मूवी का वेट करते हैं। बहुत लंबा टाइम नहीं है लेकिन फिर भी महीना, अभी एक महीना तो पूरा बचा ही है।